मम्मी कौन? अरे किरण, आजा बेटा आजा, कब से इंतजार कर रही हूँ। खुश रहो। बहुत प्यारी लग रही है, आ बैठ। कैसी हो आप? एकदम अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे दीदी। अरे भाभी, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी? मैं भी अच्छी हूँ। भाभी एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। ये देखो, बहुत ही स्पेशल घड़ी है, मैं दुबई से लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरे लिए है? हाँ भाभी, आप ही के लिए तो है। क्या जरूरत थी इतना महंगा गिफ्ट लाने की इसके लिए? मेरा मतलब, इतना खर्चा क्यों किया किरण? हाँ दीदी, इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी घड़ी है। अरे भाभी, ये आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट है, मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपके लिए ले लूं। थैंक यू दीदी। अच्छा जा, अब कुछ बना के ले आ इसके लिए, कितने दिन बाद घर आई है। जी माँ जी। तुझे क्या जरूरत थी इतना महंगा गिफ्ट लाने की उसके लिए? अरे मम्मी, मुझे अच्छा लगा तो ले आई, क्या हो गया इसमें? अब ले आई है तो छोड़, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन, जाते हुए उसकी अलमारी में से 2-3 महंगे सूट लेकर जाना, इतना खर्चा किया है तो वसूली तो होनी चाहिए ना। मम्मी क्या बोल रहे हो आप, मैं भाभी के लिए जो गिफ्ट लाई हूँ ना, वो अपने पसंद से, अपनी मर्जी से लाई हूँ, कोई जोर जबरदस्ती से लेकर नहीं आई जिसके बदले मुझे उनसे कुछ चाहिए। वैसे मम्मी, मेरी शादी को 5 साल हो गई है, हमेशा भाभी तो कुछ ना कुछ देती रहती है, आज मैं पहली बार उनके लिए कुछ लेकर आई। अच्छा छोड़, ननद से गिफ्ट लेने से भाभी को पाप लगता है, और भाभी से गिफ्ट लेना तो ननद का अधिकार है, वो देती है तो कौन सी अनोखी बात है इसमें? मम्मी जैसे आप भाभी के लिए बोल रही हो ना, मेरी सास भी मेरे लिए ऐसे ही बोलती है, उनका बस चले ना, पूरा का पूरा घर उठा के दे दे अपनी बेटी को। मम्मी मैंने आज तक उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनका हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे मैंने उनको गिफ्ट दिया है, और वो आज तक मुझे पैसे का चीज लाके नहीं दिया। मम्मी मुझे बुरा लगता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भाभी को भी बुरा लगे। अगर मैं भी भाभी के साथ ऐसे करूंगी तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मम्मी आप यहाँ मेरे साथ नहीं, भाभी के साथ रहती हो, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज का बुरा लगता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मम्मी कम से कम आप उनके काम में तो हेल्प कर सकती हो ना, अगर आप उन्हें खुश रखोगी, उनकी रेस्पेक्ट करोगे, तो वो खुद पर खुद मेरी रेस्पेक्ट करेंगी, और जब भी मैं घर आऊंगी ना, वो खुश हो जाएंगी और उनका मुंह नहीं फूला होगा। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, मुझसे भूल हुई जो साधना से मैंने गलत व्यवहार किया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने साधना के साथ गलत व्यवहार किया, मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर बहू बनकर रहती है। मैं आज से साधना और तेरे में कोई फर्क नहीं रखूंगी, उसे भी बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। माँ जी, खाना लगा दूं? खाना बनता रहेगा, आ यहाँ आके मेरे पास खाएगा। देख किरण कितने दिन बाद घर आई है, ननद भाभी आपस में बात करते हुए अच्छे नहीं लगते क्या? काम तो यूं ही होते रहेंगे। जी माँ जी। और भाभी क्या बनाया आज खाने में? भिंडी मसाला। अरे मम्मी, आपने बोला भिंडी मसाला बनाने? हाँ, तुम दोनों भाई बहन को कितना पसंद है भिंडी मसाला। भाभी भैया को कहाँ भेज दिए? बहुत भूख लगी है, होते तो साथ में खाना खा लेते ना। वो अभी आ ही रहे होंगे। ये लो, नाम लेते ही आ गए। अरे किरण, तुम क्यों? मैं नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती, ये तुम्हारा ही तो घर है। भैया जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, भूख लगी है। बस 2 मिनट में फ्रेश हो। हाँ ठीक है।
भाभी भिंडी मसाला तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू। साधना बहुत अच्छा बनाती है भिंडी मसाला। साधना पानी लेकर आना। ठहरो, साधना ही क्यों लाएगी, तुम भी ला सकते हो। हाँ क्यों नहीं, मैं ही लेकर आता हूँ। रोटी दो। हाँ देखो।